ओए शैतान, देख इधर देख, इधर देख सामने, इधर देख सामने देख। नहीं जाऊंगा। हाँ? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? हाँ। क्यों नहीं जाएगा? चन्ना देना देवे चन्ना खत्म कर देना। हाँ? देना देना देवे चन्ना खत्म करना। की करना है तो देना देना चाहिए? खत्म करना है। उसके अंगों से, इसके शरीर से, दिमाग से, सोच से मैं तोड़ता हूं राइट नाउ। क्योंकि कहीं से इन्होंने कुछ ऐसे कुछ खा लिया, क्योंकि शैतान किसी भी एंगल से काम कर सकता है। उसके खाने के कारण पहले तो इनका संगति में आना इनका दिल नहीं करता था। बोलो क्या? संगति में आना इनका बिल्कुल भी दिल नहीं करता। एक डेढ़ महीना ये मीटिंग में आई नहीं, उसके बाद प्रार्थना भी बंद हो गई, कोई प्रेयर नहीं, कोई संगति नहीं। और फिर क्या हुआ? फिर धीरे 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 अब पता है आप, कोई महिमा नहीं है जिस घर में, क्योंकि हम खुदा का घर है, हम घर है। और जब महिमा नहीं होती घर में तो शैतान फिर एंटर कर, कितनों का समझ आ। फिर उसने एंट्री मारी, इसके पेट में जबरदस्त दर्द, हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम सत्या है और जे मोतल गांव के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि एक महीना हो गया था जे सिस्टर चर्च नहीं आ रहे थे, जे बताते कि इनका मन नहीं करता था चर्च आने के लिए, और ना ही इन्होंने एक महीने में प्रार्थना की, प्रार्थना में भी इनका मन नहीं लगता था। और जे बता रहे कि उन दिनों में इनके पेट में बहुत ही दर्द शुरू होगी, बहुत ही भयानक दर्द थी जो बता रहे। और जैसे जो उस दर्द में ही भवन में आए, और जो बता रहे हैं कि उन दिनों में ही परमेश्वर के दास के द्वारा सबको मैसेज दिया गया था कि 3 दिन की प्रेयर है। तो सब लोग ऐसे प्रेयर में आए थे, और जो सिस्टर उस दिन जैसे ही चर्च आए तो जो बता रहे कि इनके बहुत ही तेज दर्द हो रही थी, बहुत ही भयानक दर्द थी। और जैसे ही इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन के लिए जब प्रार्थना की गई, तो जो बता रहे हैं कि उसी समय इन्होंने कुछ समय जो प्रेयर में बैठे, क्योंकि उस दिन परमेश्वर के दास को जरूरी काम था। वो उस दिन जैसे इनके लिए प्रार्थना की तो उस समय वो चले गए, पर टीम के साथ उन्होंने बात की। परमेश्वर के दास ने टीम को बताया कि जैसे इस बहन के लिए जब प्रेयर की थी तो परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की थी कि इन्होंने कुछ खाया है, कहीं से कुछ खा लिया है, जिसके कारण जब इनको जो प्रॉब्लम आई है, तो टीम को बोला गया था कि आपने इनसे इस बारे पूछना है। तो जैसे ही परमेश्वर के दास तो जल्दी ही चले गए, और जैसे कुछ समय इन्होंने प्रार्थना की, तो जैसे जो सिस्टर भी थोड़े समय बाद जब भी अपने घर जब जाने लगे, तो टीम ने इनके साथ जब बात की, इनको पूछा कि आपने कहीं से कुछ खाया है, तो इन्होंने बताया कि किसी ने इनको लड्डू दिए थे, वो इन्होंने खाए थे, और जिसके कारण वो प्रॉब्लम आई थी इनके बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा दर्द थी। तो जो सिस्टर उस दिन प्रेयर में पूरा दिन नहीं बैठे, जब भी अपने घर चले गए, तो फिर जब फिर से परमेश्वर के दास की बात टीम के साथ हुई, तो टीम ने परमेश्वर के दास ने टीम को पूछा कि वो सिस्टर भी कैसे हैं। तो टीम ने बताया कि वो तो सिस्टर जैसे आप भवन से गए थे, तो वो भी कुछ समय बाद वो भी अपने घर चले गए। तो फिर से परमेश्वर के दास ने टीम को बोला कि कल जो कि 2 दिन के बाकी प्रेयर के दिन बचे हैं, आपने उनको कॉल करनी, उनको फिर से बुलाना है, क्योंकि उनको वचन की ज़रूरत है। तो जैसे ही फिर टीम ने इनके साथ बात के इनको उत्साहित किया कि आपको वचन की प्रार्थना की ज़रूरत है और आपने प्रेयर में आना है, तो फिर जब जे सिस्टर फिर 2 दिन लगातार प्रार्थना में आए, तो फिर उस दिन जब बता रहे कि जब प्रेयर में आते रहे, तो उस प्रेयर के दरमियान ही इन पर दुष्ट आत्मा हैवी हो गया, बहुत ही ज़्यादा उस दिन प्रॉब्लम आ गई। हम उस समय की वीडियो को देखेंगे। ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾੜਦਾ ਹੈ
तो जैसे ही प्रार्थना में आए थे तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, तो जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, उसको डांटा गया, तो जो बता रही कि अगले दिन रात के टाइम जो बता रही है कि फिर से इनके पेट में बहुत ही दर्द शुरू हो गई, और इन्होंने बताया कि जो अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं क्योंकि वो दर्द सही नहीं हो रही। तो जैसे ही इनका विश्वास नहीं बना तो इन्होंने बताया कि हम अल्ट्रासाउंड कराना चाहते, तो इनको बोला कि आप करवा सकते हो। और जैसे फिर इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, हम उस रिपोर्ट को देखेंगे, और डॉक्टर ने बताया कि जो इनके गुर्दे का मांस बड़ा है जिसके कारण जो इनके पेट की जो दर्द वो सही नहीं हो रही। तो फिर जैसे इन्होंने बताया, फिर से इनको उत्साहित किया गया कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपने विश्वास में बने रहना, अच्छा के कार्य करना है, जो आपके लिए प्रार्थना होगी परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से भी आजाद करेंगे। और फिर जब बता रहे कि इन्होंने फिर संडे की मीटिंग को अटेंड किया, और जैसे इन्होंने संडे की मीटिंग को अटेंड किया, और जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो दुष्ट आत्मा उस दिन प्रकट हो गया। अब हम उस समय के वीडियो को देखेंगे। शतान देख इधर देख, इधर देख सामने, इधर देख सामने देख। नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? हाँ। क्यों नहीं जाएगा? खत्म कर देना। हाँ जन्म खत्म करना। की करना है? तो इतना देना चाहिए, खत्म करना है। अच्छा हाँ? मैं खत्म करके जाऊंगा। अच्छा छड़ना मैं। कौन है इसके साथ? कौन है इसकी मदर जो भी है, इसके घर वाले कोई आए यहाँ? इनके कोई आया इनके घर से कोई? हाँ सिस्टर आई है। नहीं छड़ना नहीं आज तक नहीं। हाँ शैतान देख, चल आंखें खोल, आंखें खोल, अपनी आंखें खोल, देख सामने तेरे कौन है, देख देख देख, आंखें खोल अपनी, देख आंखें खोल, आंखें खोल। ओए शैतान, तू कहता मैं मार दूंगा, सही से खड़ा तो तुझसे हुआ नहीं जा रहा। हाँ ऐसे देख सामने, देख आंखें खोल, आंखें खोल अपनी, देख तेरे सामने कौन है, चल देख 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 मेरी आंखों के सामने, देख आंखें खोल अपनी, आंखें खोल, चल छोड़ दी उसे पूरी तरह से, चल छोड़ दी सिर से लेके पांव तक, चल शैतान तेरे असर को, तेरे प्रभाव को इसके अंगों से, इसके शरीर से, दिमाग से, सोच से मैं तोड़ता हूं राइट नाउ। टच टच फ्री फ्री, शट शट गंदी आत्मा, चल तू पांव के नीचे, तू पांव के नीचे, शट 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 फ्री फ्री फ्री, आउट आउट, टच यस, पूरी तरह से इनके अंगों से, इनके शरीर से, बॉडी से, खुदावंद तेरे नाम से शैतान के प्रभाव को मैं कैंसल करता हूं, मैं जड़ से फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस, खड़ा करो इसे, पानी पिलाओ, धन्यवाद कर, अपने मुंह से अंगीकार कर, बोल परमेश्वर, बोल बोल, माइक कहां है अपना, बोल परमेश्वर, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास कर दिया, तेरी जीवत हजूरी, तेरी जीवत हजूरी मुझे फ्री कर चुकी है, मुझे फ्री कर चुकी, क्योंकि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तीसरे दिन तूने मेरे सारे क्रूस, मेरे सारे क्रूस पर
सारे दुख उठा लिए। अपनी कोड़ों की मार से तूने मुझे आजाद किया है। अपने कोड़ों की मार से मैं विश्वास करती हूँ। विश्वास कर अपने मन के अंदर, विश्वास कर। शैतान तेरे पांव के नीचे, हालात बीमारी तेरे पांव के नीचे, यीशु मसीह तेरा सिर है, आंखें खोल, अपने पेट मान हाथ रख और धन्यवाद पिता मैं फ्री हूँ। आंखें, डर मत, खुदा ने कहा डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं, खुदा तेरे साथ है, तुझे सांस है ना, खुदा ने मुझे अपना जीवन देकर मुझे आजादी दी है ना, तो फिर शैतान का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तू आजाद है, ठीक है, शक नहीं करना, जोर से हालेलुया बोल दे, जोर से आमीन। बैठो, आराम से बैठो पीछे जाकर, ठीक है, बताऊंगा वहीं। और जो बता रहे हैं सिस्टर के, जैसे 13 अगस्त संडे की मीटिंग के दिन इनके लिए जब प्रार्थना हुई थी दुष्ट आत्मा को, जब परमेश्वर के दास ने डांटा, और जो बता रहे उसी रात के समय जब बता रहे हैं कि जब जो वॉशरूम गए तो इनका वॉशरूम रहे, जब बता रहे एक मांस का टुकड़ा बाहर निकला और इनके पास फोन नहीं था जिसके कारण जे पिक नहीं ले सके, जो कि नेक्टिविटी ने दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण इनको जो गुर्दे में जो मांस बड़ा था वो उसी कारण था। और जैसे इनके लिए प्रेयर हुई तो रात के समय परमेश्वर ने उस मांस के टुकड़े को जब जो वॉशरूम गए उसके दौरान ही बाहर निकाल दिया। और जब बता रहे कि उस दिन से लेकर जे आज तक पूरी तरह से जो इनके दर्द थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, परमेश्वर ने आज इनको आजाद कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जे पूरी तरह से आजाद हो चुके। इस गवाही के लिए जे परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद करना। सुनो, अभी जो शैतान ने गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर एक मांस का टुकड़ा दे दिया, बोलो क्या है, गुर्दे के अंदर एक मांस का ऐसे टुकड़ा बन गया, मांस बढ़ गया, बोलो क्या बढ़ गया, और उसका कारण क्या था, अभी तो खुदा ने बाहर निकाल दिया, उसकी फोटो हम इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि इनके पास उस समय जब ये वॉशरूम गए, जब ये प्रार्थना हुई तो बाहर आ गया, पर फोन ना होने के कारण ये फोटो नहीं ले पाए, नहीं तो आपको उसका भी प्रूफ दिखाते जो इतना बड़ा मांस का टुकड़ा प्रार्थना के बाद बाहर आया, समझ आ रहे हैं? पर ये सारी प्रॉब्लम आने का कारण क्या है, समझ आ रहे हैं? बोलो क्या है? क्योंकि कहीं से इन्होंने कुछ खा लिया, क्योंकि शैतान किसी भी एंगल से काम कर सकता है, उसके खाने के कारण पहले तो इनका संगति में आना इनका दिल नहीं करता था, बोल के संगति में आना इनका बिल्कुल भी दिल नहीं करता, 1-1.5 महीना ये मीटिंग में आई नहीं, उसके बाद इसकी प्रार्थना भी बंद हो गई, कोई प्रेयर नहीं, कोई संगति नहीं, और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अब पता है, अब कोई महिमा नहीं है जिस घर में, क्योंकि हम खुदा का घर है, हम घर हैं, और जब महिमा नहीं होती घर में तो शैतान फिर एंटर करता, कितनों को समझ आ रही है, फिर उसने एंट्री मारी, इसके पेट में जबरदस्त दर्द थी, जबरदस्त, एक रात तो इसको पूछो इसके परिवार को और इसको कैसे गुजरी, कैसे तड़फ रही थी पूरी रात, बहुत औखी गुजरी रात हुई। फिर उन दिनों में ऐसे हमने प्रेयर रखी थी 3 दिन की, क्या रखी थी, प्रार्थना रखी थी भवन में, ये पिछले महीने की बात है, नहीं इसी महीने के स्टार्ट में ना, इसी महीने के स्टार्ट की बात, 13 अगस्त से पहले, हाँ 13 अगस्त से पहले की। तो फिर इन्होंने इनको बोला कि आप प्रार्थना में आओ, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, और ये उस दिन लेट आए तो मैं भी यहाँ पे था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे काम था कोई, तो मैंने जाना था, और जब मैं जाने लगा तो ये मेरे पास आके के प्रार्थना कर दो,
और जब मैं इन पर प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन्होंने कहीं से कुछ खाया है, और मुझे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनसे पूछूं। मैं जस्ट प्रेयर करके निकल गया, और मैंने इन टीम को, बच्चों को बोला कि इनको पूछो कि इन्होंने क्या कुछ खाया है कहीं से। तो इन्होंने कहा हाँ खाया है। बोलो क्या है? खाया है। पर हुआ क्या उसके बाद? ये भी निकल गए, क्योंकि कई बार तो होता है ना, लोग क्यों कहते हैं हम अपनी आत्मिक उन्नति करो। तो ये भी प्रार्थना करके अपने घर चले गए। तो मुझे अचानक ऐसे खुदा ने मेरे मन में डाला कि मैं इनसे पूछूं कि वो प्रार्थना में रही है। तो कहते नहीं, वो तो उसी समय आपके पीछे चलेगी। तो मैंने कहा उसको बोलो प्रार्थना में रहे, अभी उसे जरूरत है, अभी वो पूरी तरह फ्री नहीं, अभी उसे जरूरत है। पर ये फिर नेक्स्ट सेकेंड दिन फिर प्रेयर में आई, तो इनसे प्रेयर नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी प्रार्थना हो ही नहीं रही। पर जब मैंने प्रार्थना में इसको अगुवाई की, क्योंकि मैं भी यहीं पे था, तो मैंने कहा प्रार्थना करो, हयाब से करो। और जैसे ही ये प्रार्थना करने लगे, एकदम से शैतान हैवी हो गया। अभी अपने वीडियो में देखा, वो कहता मैंने इसने पेट को फाड़ना है, मैंने इसे मारना है। बोल गए, अपने देखा ना कि मैंने इसके पेट को फाड़ना, मैंने इसे मारना ही मारना है। समझ आ रही? और फिर मैंने इसकी प्रार्थना तो फिर स्टार्ट हो गई, बॉक पे ये हयाब से प्रार्थना करने लगी। बोल गए, पर प्रॉब्लम अभी भी थी। फिर ये कहते दर्द रुक नहीं रही, हम टेस्ट करवा ले। मैंने कहा करा। जब टेस्ट कराया तो गुर्दे में मांस का टुकड़ा बड़ा हुआ था, ऐसे मांस बढ़ गया। और भी आपने देखा उस वीडियो में, जब शैतान को पूरी तरह से डांटा गया अधिकार के साथ, फिर इसके विश्वास को मजबूत कराया। बोलो क्या कराया? उसी दिन रात को ये वॉशरूम गई और मांस का वो बड़ा हुआ टुकड़ा बाहर आया। क्या आया? वो मांस का टुकड़ा बाहर आ गया। अब इन्होंने पिक नहीं ली क्योंकि इनके पास फोन नहीं, तो आपको दिखाते कि सच में परमेश्वर कितना सामर्थी। बोलो क्या है? क्योंकि उसका ऑपरेट होना था, उसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर बोलते हो उसका ऑपरेट होना है, ऑपरेशन होना है। जब तक उसका ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक इसका, इस दर्द का कोई हल नहीं है, ये रुकेगी नहीं। वो बोल रहे थे इसका ऑपरेशन ही होना है। पर हमारा यीशु कौन है? बोलो कौन है वो? बोलो डॉक्टर जीसस। बोलो क्या? डॉक्टर जीसस है, जो बिना चीर फाड़ भी कौन हमारे ऑपरेट करता है। आज खुदावंद ने बिना चीर फाड़ के इसके उस बड़े हुए टुकड़े के मांस को बाहर निकाला है, ये पूरी तरह से फ्री किया है। आज कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सामने है। प्रार्थना में मन लगता है, संगति में रेगुलर आ रही है, और सब कुछ खुदा ने अच्छा कर दिया। तारीफ कर दो, जोर से अपने दोनों हाथों को उठा कर इस बड़े काम के लिए। करांगा मैं, मेरे यीशु ने सुना से दिल से धन्यवाद करांगा, खुशी से मेरे यीशु ने सुनाया है, तनु कट के पापा को उन्हें गोल बुलाया है।